आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जो कि आपके विजन को अच्छा बनाता है, वो है भारतीय आश्रम व्यवस्था। बहुत ही सुंदर विषय है। भारतवर्ष जो है एक धर्म प्रधान देश है, भारत है एक जो है गुरु प्रधान देश है, और भारतवर्ष के अंदर एक जीवन जीने की पद्धति एक बहुत बड़ा सिस्टम है। प्रारंभ से जो है भारतवर्ष में स्पिरिचुअलिटी को स्थान दिया गया है, और यहाँ पर हमारा बाह्य जगत और भीतरी जगत का सामंजस्य हो वैसी व्यवस्था बिठाई गई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई को भी देखें तो खुदाई के अंदर मालूम पड़ेगा कि हम भारतवासी जो आर्यों की संतान है, तो आर्यों ने हमेशा से जो है धर्म को स्थान दिया। उस खुदाई के अंदर मंदिर मिले, उस खुदाई के अंदर ध्यान करने वाले ऋषि मुनि मिले, और उस स्थान पर पूजा पाठ अर्चना की कई विधियां मिली। इससे ऐसा लगता है कि हम प्रारंभ से ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति की रुचि रखते थे, और दूसरी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उन्होंने प्रारंभ से ही जो है भौतिकता को स्थान दिया। उन्होंने वो पांच इंद्रिय सुखों तक सीमित रहे कि पांच इंद्रियों का जितना सुख है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, ई ड्रिंक एंड बी मरी का मेरी का उनका फॉर्मूला रहा। और उसके साथ साथ के अंदर जो भौतिकता है, वो भौतिक पदार्थ है, मैटर है, पुद्गल है, जड़ है, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया और कार्य करके और बहुत से आविष्कार किए। वो आज आविष्कार से पूरा विज्ञान बना, ये भौतिकता के आधार पर विज्ञान बना। लेकिन हम तो हमेशा से आध्यात्मिक रहे। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो है हमेशा इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके और इस पर कार्य किया, और जब हम आध्यात्मिकता को स्थान देते हैं तो उसमें आत्मा आती है, पुनर्जन्म आते हैं, कर्म आते हैं, पुरुषार्थ आता है, और उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ता जीवन का, जो कि मैं प्रारंभ से ही सिस्टम बना गया है। तो हमारी आश्रम व्यवस्था, ये जो हमारी भारतीय आश्रम व्यवस्था बहुत ही आइडियलिस्टिक है, और पूरे विश्व के अंदर इसको बहुत सुंदर तरीके से देखा गया है कि हमारी पुरानी संस्कृति में देखें तो ऐसा माना गया है कि शरीर जीवनम, व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष हो, और ये प्राकृतिक चीज है, प्रकृति ने हमको जन्म दिया तो 100 वर्ष की जीवन देकर के जन्म दिया है, और साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना दिया है। जैसा कि आजकल के टीवी और आजकल की जितना वॉशिंग मशीन वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं उसमें एक यूनिबिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है, ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको सहन कर देगा और उस इक्विपमेंट को जलना नहीं देगा। तो उसी तरह से यूनिबिल्ट सिस्टम जो है प्रकृति ने हमारे भीतर भी बिठाया है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम ऐसा सुंदर डाल दिया है कि हमारे कभी भी शरीर के अंदर जीवाणु पैदा हो जावे तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में जो सोल्जर्स खड़े कर दिए, जिसको कि कहा जाता है वाइट सेल्स कहा जाता है, आरबी सेल्स आरबीसी कहा जाता है, रेड जो है सेल्स कही जाती है। जो हमारी वाइट सेल्स है वो सोल्जर्स है, कोई भी बाहर से जर्म आया तो उस पर अटैक किया और उसको मार देती है। हालांकि उनकी जो है उम्र बहुत कम होती है, उन सेल्स की जो है 90 दिन 120 दिन, और वो बनती है और उसके साथ में समाप्त होती रहती है, लेकिन वो हमें बीमार नहीं पड़ने देती है। लेकिन हमने स्वयं ने अपने जीवन को अप्राकृतिक बना करके और कई एलोपैथिक एंटीबायोटिक ज़्यादा खा करके उन वाइट सेल्स को हम ही समाप्त कर देते हैं, यानी आज इंसान की प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई है। पहले तो प्रकृति के करीब नहीं रहता है, व्यायाम नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, और उसके साथ में दवाइयाँ बहुत एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से हमारे जो आरबीसी और हमारी जो वाइट सेल्स है वो समाप्त होती जा रही है। तो इन कारणों से व्यक्ति जो है आज 100 साल की उम्र पार नहीं कर सकता है, 100 साल का नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी हो, हम उस आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। 25-25 साल के 4 विभाग किए जीवन के अंदर, तो जन्म से पहला 25 साल का विभाग है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, और 26 साल से 50 साल की उम्र का जो जीवन है वो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, और तीसरा होता है कि जो है हमारा 51 साल से जो 75 साल की उम्र का जो पीरियड होता है जीवन का वो वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, और चौथा जो है वो 76 साल से 100 साल की उम्र मानी है तो वो आश्रम संन्यास आश्रम कहा जाता है। अब एक एक आश्रम को हम समझते हैं।
कि बच्चा जब जन्म लेता है और 4-5 साल का हो जाता है, जब उसको होश आता है, तब उसको गुरुकुल प्रणाली के लिए पुराने जमाने में गुरु के पास में जो है उसकी कुटिया में उसके आश्रम में भेजा जाता था। और गुरुओं के सब आश्रम था वो नदी के किनारे प्रकृति के करीब जो है, पहाड़ के नीचे जो है, जहाँ पर झरने हो, जहाँ पे पशु हो, पक्षी हो, वहाँ धूप हो, वहाँ पेड़ हो, पौधे हो, खेलने की अच्छी सुविधा हो, फल फ्रूट हो, उन स्थानों पर उनके आश्रम होते थे और वहाँ पर उस प्रकृति के करीब है उस बच्चे को भेजा जाता था। और जितने भी हमारे पढ़ाने वाले गुरु थे तो उस वक्त में वर्ण व्यवस्था भी थी, 4 तरह के वर्ण थी। वर्ण कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4ों की वर्ण व्यवस्था और 4ों का आश्रम व्यवस्था करके हमारी लाइफ स्टाइल बनती थी कि जो ब्राह्मण होता था उसका कार्य होता था ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण करना, ज्ञान को बांटना, यानी शिक्षा का सारा कार्य ब्राह्मण करता था। और दूसरा होता था क्षत्रिय, होता था जो देश की रक्षा करना, जो अपने इंटरनल कोई भी लड़ाई झगड़ा उसको शांत करना, और जो हमारा एक्सटर्नल यानी हमारे टेरिटोरी के ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो दूसरे दो प्रांतों दूसरे जो देशों के साथ में उसको भी करना, यानी लड़ाई करने का जितना भी कार्य था वो क्षत्रिय किया करते थे। और तीसरे वैश्य थे, तो हमारे जीवन के अंदर लेन देन का काम होता है, कोई वस्तु जो हमें खरीदनी होती है, कोई वस्तु हमें बेचनी होती है, तो सारा पैसे टके का लेन देन का जितना भी कार्य होता था वो वैश्य लोग किया करते थे, वो हिसाब किताब रखते थे। बार्टर सिस्टम भी था कि एक चीज़ दे करके दूसरी चीज़ खरीदी जाती, मेरे पास में बाजरा है तो बाजरा दे करके मैं सब्जी को खरीद सकता था या गुड़ को या खाने की कोई चीज़ को खरीद सकता था। बार्टर सिस्टम भी बहुत चलता, ये सारा जो व्यवस्था लेन देन का करना व्यापारी के रूप में जो करता था वो वैश्य कहलाता। और शूद्र था वो समाज की सेवा करता था, सफाई का काम है, क्लीनिंग का काम है, ये सारा शूद्र करता था। 4ों के अलग अलग ड्यूटीज थी और उन आश्रम के अंदर जो है 4ों ही वर्ण के जो लोग आते थे उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता था और गुरु भी उनके अनुरूप उनको शिक्षा देते थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय की जो भाले है, बरसी है, जो है तलवार चलाना है, लड़ाई झगड़ा उसकी टैक्टिस है, वो सारी सिखाई जाती है। ब्राह्मण को ग्रंथ पढ़ाए जाते थे और जो अपना वैश्य होता था उनको हिसाब करता अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता, उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता, शूद्र को सेवा कार्य पढ़ाया जाता था कि किस तरीके से सेवा की जाती है, सेवा में कैसे सफाई रखनी चाहिए और उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारी बातें जो है वैसी शिक्षा 25 साल तक दी जाती थी।